एक और सवाल जो वैक्सीन के हवाले से बहुत फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है वो ये है कि क्या ये वैक्सीन हलाल है या हराम है। तो इस वक्त तक मेरे मुताले के मुताबिक और जो दुनिया के अंदर एक्सपर्ट्स ने स्टडी की है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है इन वैक्सीन के अंदर जो हराम हो। ये हलाल इंग्रेडिएंट्स पे बनी हुई है और उलमा भी इसको बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हमारे इस्लाम के नुमाइंदा उलमा हैं जैसे इमाम काबा, उन्होंने बाकायदा अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर की मैसेज देने के लिए कि ये वैक्सीन लोग समझें कि ये दीनी, इसके अंदर कोई ऐसी रुकावट नहीं है दीनी तौर पर कि इसे नहीं लगाया जा सकता। तो ये हलाल है और इसका शरी एतबार से भी कोई ऐसा फतवा किसी आलिम ने, जो मुस्तनद आलिम हो, उसने नहीं दिया कि इसको दीनी बुनियादों पर नहीं लगानी चाहिए।